हो, सबूत हो, तो कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर चुनौती देकर जांच को अगले। हम चुनौती देकर कह रहे हैं जांच कराएंगे, तो पूछताछ होगी तो हम भी आ जाएंगे। और अब हम मांग कर रहे हैं कि संबित पात्रा के लगाए गए आरोपों की भी जांच करें। 4 अक्टूबर 2018 को, सबसे पहले 4 अक्टूबर 2018 को किसने सीबीआई को जाकर जो भी दस्तावेज, जो भी मीडिया के थ्रू खबरें थी कि इसमें दलाली भ्रष्टाचार हुआ है, इसके लिए भाजपा के दो पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी और अरुण शौरी जी और एक वरिष्ठ वकील ने जाकर सीबीआई में शिकायत दर्ज की। उसके बाद नोट करिए तारीख 11 अक्टूबर 2018, 4 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर 2018 क्या हुआ? मॉरिशियस की सरकार के अटॉर्नी जनरल ने, मॉरिशियस की सरकार ने सीबीआई को दलाली के सबूत सौंपे। मॉरिशियस सरकार ने, उन्होंने कहा बिल्कुल इसमें दलाली खाई गई है, जिसने दलाली खाई है उसका नाम और सबूत हम आपको दे रहे हैं। अब क्या होना चाहिए था? सबूत आ रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी आगे बढ़नी चाहिए थी। 23 अक्टूबर, 4 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर, एक ही महीने में घटनाक्रम देखिएगा आप क्या हुआ फिर 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को तब के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा इस जांच को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का, निष्कर्ष तक पहुंचने का फैसला कर लेते हैं कि इसकी जांच होगी। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? रात को दिल्ली पुलिस को सीबीआई डायरेक्टर के घर में भेजकर रेड कराई जाती है। यह इतिहास में पहली बार हुआ था कि दिल्ली पुलिस सीबीआई डायरेक्टर के घर पर रेड करती है, राफाल से जुड़ी सारी फाइलें जब्त कर लेती है, उन्हें रातों रात तख्ता पलट करके आलोक वर्मा जी को अपने पद से, सीबीआई के डायरेक्टर से हटा दिया जाता है। क्या डर था, क्या खौफ था? हो जाने देते जांच? लेकिन ऐसा तो इतिहास में कभी से सुना हो तो बता दीजिएगा। और उसके बाद श्री एम नागेश्वर राव इनकम टैक्स अधिकारी रहे, उनको रातों रात डायरेक्टर बना दिया गया। सोचा चलिए पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने फाइलें जब्त की हैं, आलोक वर्मा हटाए गए, एम नागेश्वर राव बनाए गए, जांच आगे बढ़ेगी। 2018 से वो फाइलें कहां हैं नहीं मालूम किसी को भी। जो जांच आलोक वर्मा कर रहे थे उसे नागेश्वर राव ने आगे क्यों नहीं बढ़ाया, उसको ठंडे बस्ते में डालकर खत्म क्यों कर दिया, ये सवाल उठ रहे हैं आज। ये टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, इसमें ये लगा होगा, वो लगा होगा, जो भी सुरक्षा से जुड़े उसकी एक एक थी। अगला, यूरोफाइटर्स काउंटर ऑफर ऑफ 20% डिस्काउंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दसॉल्ट से ना लेकर यूरोफाइटर का भी दस्तावेज था कि हमसे आप लेंगे भारत सरकार तो यही हम आपको 20% डिस्काउंट पर देंगे। यह भी दस्तावेज बिचौलिए सुषेण गुप्ता के घर में ईडी ने रेड में पकड़ा। यह बता रहा था कि यह डील दसॉल्ट आपके हाथ से जा सकती है क्योंकि यूरोफाइटर 20% डिस्काउंट पर दे रहा है। ये फाइटर, ये उसको खबर पहुंचाई गई, ये दस्तावेज सरकारी, डिफेंस मिनिस्ट्री का गोपनीय दस्तावेज सुषेण गुप्ता के घर पे। नेक्स्ट आ जाइए, अ नोट डेटेड 24 जून 2014 सेंट टू दसॉल्ट बाय सुषेण गुप्ता। दसॉल्ट को 24 जून 2014 का लिखा हुआ सुषेण गुप्ता का, दसॉल्ट को लिख रहा है। कौन है सुषेण गुप्ता, किस बिहाफ पर वो दसॉल्ट को ये नोट लिख रहा है और बातचीत कर रहा है? किसने अधिकार दिया था सुषेण गुप्ता को और क्यों दसॉल्ट इसे एंटरटेन कर रहा था? ये सवाल खड़े हैं, ये सवाल आपके माध्यम से हम केंद्र की मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि नोटी डेट 20, ये ईडी ने जब्त किया है, हमने नहीं। मैं वापस सवाल उठा रही हूं, बाय सुषेण गुप्ता ऑफरिंग, अब क्या लेटर में लिख रहा है, ऑफरिंग अ मीटिंग विद द पॉलिटिकल हाई कमांड, कि वो दिल्ली की सत्ता के गलियारों में बैठे हुए जो इस पूरी डील में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो चाहे तो इनकी मीटिंग उनसे जब चाहे तब करा सकते हैं। Did such meeting take place with the high command? हम पूछना चाहते हैं, जिस मीटिंग का जिक्र किया गया क्या वो मीटिंग सुषेण गुप्ता, दसॉल्ट के मालिक और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच या जो भी ब्यूरोक्रेट हुई या नहीं? हाँ या ना बता दीजिए कि नहीं हुई। हमारे तो सवाल है, सरकार जवाब से भाग रही है, क्यों भाग रही है सब जानते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका है।
अब सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने रेड की 2019 मार्च में, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 मार्च भी आ ही जाएगा। क्या हुआ उस ईडी की रेड का और ये दस्तावेज का? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना। सरकार के गोपनीय दस्तावेज ईडी अपनी रेड में जब्त करती है और उस पर एफआईआर होनी चाहिए थी, उससे पूछताछ होनी चाहिए थी कि किसने और कैसे वो सरकारी दस्तावेज डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए इन तक पहुंचाए या ये लेकर आए कैसे, ये सारी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ सीबीआई में आलोक वर्मा जी के साथ? क्या हुआ सामने है सुप्रीम कोर्ट के जज को का? क्या हुआ सामने है ईडी की इस जांच का? क्या हुआ किसी को नहीं पता। पूछना चाह रहे हैं सरकार से, क्या सुषेण गुप्ता के खिलाफ एफआईआर हुई? कहां है सुषेण गुप्ता? देश है, देश में या भगा दिया गया? ये सवाल देश आज जानना चाहता है, क्योंकि जो फ्रेंच मीडिया पोर्टल है उसने जो दस्तावेज दिए हैं उस दस्तावेज के मुताबिक इस बिचौलियों को 65 करोड़ रुपया, 65 करोड़ रुपया दसॉल्ट ने दलाली का डील को अंजाम तक पहुंचाने का 65 करोड़ रुपया रिश्वत दिया है, पेमेंट हुई है। ये दसॉल्ट भी स्वीकार कर रहा है और ये पेपरों में भी स्वीकार है सुषेण गुप्ता। हम ये जानना चाहते हैं सुषेण गुप्ता किसका आदमी था, किसने उसे इस डील में शामिल किया, और ये 65 करोड़ क्या सुषेण गुप्ता खा गया या केंद्र में बैठे मंत्री और अधिकारी भी इसमें शामिल थे, और वो पैसा कहां है? 2015 में प्रधानमंत्री जी खुद गए थे पेरिस में इस डील को फाइनल करने के लिए, किसी को नहीं पता था, रक्षा मंत्रियों को नहीं पता था। रातों रात डील साइन हो गई, क्लॉज में बदलाव हो गए, एंटी करप्शन हटा दिया गया, सीबीआई के डायरेक्टर को रात को उठा लिया गया। उस कमेटी का चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री जी है। कौन डायरेक्टर बनेगा कब? 2 बजे रात को। इतनी क्या क्या आपको आ गई थी परेशानी? आज हम मांग करते हैं कि पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के तहत इन सभी जो सबूत अभी दोबारा से मॉरिशस की सरकार ने दिए, फ्रांस की सरकार ने पेश किए हैं, पूरे कागज और दस्तावेज आपके पास हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़े सवाल हैं जिसके जवाब केंद्र की मोदी सरकार को देने चाहिए। पीएसी जांच बिठाई जाए, निष्पक्ष जांच की ये देश मांग करता है। हम भी चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस के समय पर आरोप लगे, हम किसी भी जांच से पीछे नहीं हटे, सच्चाई सामने है। भाजपा की पूर्ण बहुमत की दूसरी बार की सरकार भी चाह कर भी आरोप साबित नहीं कर पाई किसी को जेल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।